हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मटन स्टू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका रुखसाना खान किचन में। आज हम बनाएंगे मटन स्टू। मटन स्टू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 700 ग्राम्स के करीब ये मटन। इसको धो के हमने रख लिया है। इसके अलावा हमने लिए हैं ये 3 मीडियम साइज प्याज और इसके साथ में 3 ग्रीन चिलीज को हमने थोड़ा लंबा लंबा काट लिया है। मटन स्टू बनाने के लिए हम सब खड़ा मसाला यूज करेंगे। उसके अंदर हमने लिए है 7 से 8 ये ग्रीन चिलीज, 2 ये तेज पत्ता लिया है, 1 ये हमने मैस फ्लावर लिया है, 1 ये हमने काली इलायची ली है, 1 ये हमने एनिसिड लिए हैं। उसके अलावा हमने ये ब्लैक पेपर लिया है 10 से 11 और ये 4 हमने लौंग लिए हैं। ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे कूट के साबुत जो धनिया होता है वो ले लिया है। ये हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का कूट के ले लिया है और ये लहसुन हमने पूरा एक जो गांठ होती है लहसुन की उसको कूट के ले लिया है। इसके अंदर हम पेस्ट नहीं डालेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे जो मसाले यूज ग्राउंड मसाले हैं हमारे जो यूज करेंगे वो मैं एक एक करके जब ये रेसिपी बनाऊंगी तो आपको उसका मेजरमेंट बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं मटन स्टू बनाना। मटन स्टू के अंदर हम दही का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये 250 ग्राम के करीब यहाँ पे दही ले लिया है। ये हमने एक पॉट ले लिया है। पॉट में हमने आधा कप के करीब ऑयल डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून जीरा, जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसके अंदर अपना मटन सॉटे करेंगे। हम यहाँ पे ये एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हमने जो भी ये हमारे खड़े मसाले लिए थे इनको हम इसके अंदर थोड़ा भून लेंगे। एक एक करके ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। ये मसाले हमारे भून के रेडी हो गए हैं, हम इनको साइड में रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज हमारा यहाँ पे भून के रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मटन डालेंगे। 700 ग्राम के करीब जो हमने मटन लिया था ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस मटन को हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है और इसके साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मटन या लैम हम बनाते हैं तो उसकी एक अलग से स्मेल होती है जो हम पकाते हैं उस टाइम आती है, तो उस स्मेल को थोड़ा कम करने के लिए हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ हल्दी डालेंगे और इसको हल्दी नमक के साथ में हम अच्छे से भून के रेडी करेंगे। ये मटन हमारा हल्दी नमक के साथ में अच्छा भुन रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे खड़े मसाले जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। अब इन सारी सामग्री के साथ में हम इस मटन को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मटन यहाँ पे भून रहा है। इसको भूनते हमें कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन जो हमने क्रश करके रखा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये सारे मसाले हमारे यहाँ पे मटन के साथ में अच्छे से घुल गए हैं। मटन भी हमारा अच्छा भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही डालने के बाद में हम इसको पकने देंगे। जब तक कि ये दही पक के हमारा रेडी नहीं होता, ये मटन जो है ऑयल अच्छे से नहीं छोड़ देता। दही को हमें थोड़ा
अच्छे से फेंट के लेना है। कोशिश करें कि आपका दही ज्यादा खट्टा नहीं हो, अगर दही अगर आपका खट्टा होगा तो मटन का फ्लेवर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए दही हमें खट्टा नहीं लेना है। अगर आपका दही थोड़ा खट्टा है तो आप इसके अंदर थोड़ा दूध मिला के उसको फेंट के फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो दही डालने के बाद में हमने इस मटन को अच्छे से पकाया था, इसको पकाते हुए कम से कम 40 मिनट हो गए हैं। ये तेल हमारा सारा ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इस स्टेज के बाद में अगर आप चाहें तो इसको ऐसे एक गिलास पानी ऐड करके इसको हाफ एन आवर के लिए इसी पॉट के अंदर खुला ऐसे पका सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको कुकर में डाल के 7 से 8 विसल लगा सकते हैं। इसके अंदर हम ये पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद में हम इसको आधा घंटा मैं और पकाऊंगी, आप चाहे तो इसको कुकर में डाल के इसको विसल लगा। ये देखिए दोस्तों, ये मटन हमारा बनके यहाँ पे रेडी है। हमने इसको 1.5 घंटे ये ओपन पॉट में पकाया है। ये मटन हमारे यहाँ पे रेडी है, अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये मटन तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने इसको ओपन पॉट में पकाया था और ये हमारी बोटियां देखो अच्छे से पक गई हैं। ये अच्छे से मटन गल गया है, ये हाथों से अच्छे से टूट रहा है। दोस्तों ये हमारा गर्मा गर्म मटन स्टू बन के रेडी हो गया है। आप इसको रोटी और चावल के साथ में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।